बिस्मिल्लाह रहीम अस्सलाम वालेकुम समाजी अक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन आप लोग सोच रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि सरानी आप वीडियोज़ नहीं बनाते, आज फाइनली जो है मैं नर्सिंग के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे साथ इस वक्त आप ये जो शख्सियत देख रहे हैं इनका नाम शारून मतीउल्लाह साहब है। शारून साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन अगर आप लोगों का प्यार हमें ऐसे मिलता रहा जैसे पहले मिलता है, अगर आप वीडियोज़ हमारी शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तो शारून मतीउल्लाह के साथ हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें हम वो तमाम नर्सिंग के शोबे कवर करेंगे जो आप लोग जिनके सवालात जो है अक्सर भेजते रहते हैं। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नर्सिंग के अंदर जो स्पेशलाइजेशंस हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं, उसके हवाले से बताएंगे। और लोग कुछ ये सोच रहे होते हैं कि हम स्पेशलाइजेशन कौन से में जाएं, या इसके अलावा हम जो है स्पेशलाइजेशन के अलावा बीएसएन आजकल चल रहा है तो बीएसएन के बाद क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। शारून मतीउल्लाह साहब आप हमें ये बताएँ, नर्सिंग शोबा है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन एक आम चीज़ है, लोग बिल्कुल जो है ना ये कंसेप्ट उनके जहन में नहीं होता, या बच्चियों के या बच्चों के जो नर्सिंग कर रहे होते हैं कि उनको कौन से शोबे के अंदर जाना चाहिए या किस डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर कितने शोबे हैं और वो कौन कौन से हैं। जी सलानी, बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने यहाँ मदऊ किया और मैं आपके चैनल के ज़रिए जो नर्सिंग से वाबस्ता लोग हैं उनको अपना पैगाम पहुँचा सकूँ। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा अलमिया ये है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है उसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने डिप्लोमा को ख़त्म कर दिया। ये चंद साल गुजरे हैं कि डिप्लोमा ख़त्म होता जा रहा है और अब जो लास्ट बैचेस हैं वही उसको शुरू रख सकेंगे, और उसके बाद अब जो है वो बीएसएन आ गया है। तो डिप्लोमा जो है बेसिकली वो स्किलफुल हैंड था और मैट्रिक के बाद भी लोग कर लिया करते थे, और आपके पास एक अच्छी फोर्स मैट्रिक के मैट्रिकुलेशन करने के बाद एक अच्छी फोर्स ऑफ नर्सिंग नर्सेज आपके पास मिल जाती थी। तो उसको ख़त्म करने से जो है बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, क्या जो नर्सिंग है वो बहुत बैक पे चले गई है, क्योंकि जो भी अगर डिग्री करके आता है जिस तरह बीएसएन आपने बताया लोग कर रहे हैं और ये ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि अब नर्सिस की सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसमें चार्म आ गया है और लोग बीएसएन करते हैं उसके बाद नर्सिंग में आ जाते हैं। लेकिन उस बीएसएन नर्सिंग जो है वो आपको तकरीबन 4 साल लगाने पड़ते हैं अब, और पहले ये होता था कि आपने 3 साल की नर्सिंग की लड़कों के लिए और लड़कियां 4 साल करती थीं, फिर लड़के 1 साल की स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ में कर लेते थे और उसके बाद बीएसएन करते थे और फिर जॉब्स वगैरह जो है वो आते थे, और कुछ जो डिप्लोमा है उसमें फ़ौरन से आपको जॉब्स मिल जाती थी और आप साथ साथ स्पेशलाइजेशन करते थे। तो जैसे आपने सवाल किया कि कितनी स्पेशलाइजेशन हैं इसमें, तो अब तक जो दुनिया में है 20 से 25 स्पेशलाइजेशन हैं, और जिस तरह बीमारियां बढ़ती जाती हैं उस तरह इसकी स्पेशलाइजेशंस में भी इजाफा होता जाता है। ठीक है, बीमारियों से क्या रिलेट करना चाह रहे हैं आप, बीमारियां जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जनरल नर्सिंग जो है वो एक आम इसको यहां कह दें कि एक मजमूई वो है, इसका टर्म है जिसमें हमने हर चीज़ को देखना होता है। एक जनरल नर्स जैसी जनरल नर्स बनता है और वो जॉब करता है तो उसने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाना होता है, और मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि सबसे पहले जो भी नर्सेस जैसे ही डिप्लोमा ख़त्म करती हैं या अपनी डिग्री ख़त्म करती हैं तो उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल एमरजेंसी में जाकर ड्यूटी करनी चाहिए। एमरजेंसी के बाद उनको बाकी डिपार्टमेंट्स में मूव करना चाहिए, जिस तरह एमरजेंसी से आईसीयू चले गए, न्यूनेटल आईसीयू चले गए, लेबर रूम्स में लड़कियां चले गईं, और गायनी के पोस्ट डिलीवरी जो गायनी वार्ड्स होते हैं वहां ड्यूटी कर ली, फिर आपने पेडियाट्रिक में ड्यूटी की जहां बच्चे होते हैं, न्यूनेटल आईसीयूज़ हैं, फिर वार्ड्स हैं, वार्ड्स में भी आके कैटेगरीज़ हैं, जिस तरह जनरल सर्जरी का वार्ड अलग है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का वार्ड अलग है, और कीमोथेरेपी के लिए वार्ड्स अलग हैं, फिर लिवर ट्रांसप्लांट्स के अलग वार्ड हैं। इसी तरह जिस तरह से शोबे बढ़ते जाते हैं, डिजीज़ बढ़ती जाती हैं तो मुख्तलिफ शोबे निकलते जाते हैं, तो लोगों को मुख्तलिफ वार्ड्स में जाके ड्यूटीज़ करनी चाहिए। फिर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जिस तरह रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ जाके ड्यूटी करनी चाहिए, हर चीज़ का एक्सपोजर लेना चाहिए। जब उसको एक्सपोज हो जाएगा, वो उस चीज़ से आशना हो जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि मैं वाकई किसी जगह से हो गया, और उसको उस चीज़ का जो ग्रिप आ जाएगी उसके हाथ में, अबूर हासिल हो जाएगा, और इस अबूर हासिल होने की वजह से
वो मज़ीद आगे जा सकता है। ठीक है, कुछ चंद नर्सिस के डिपार्टमेंट्स हैं स्पेशलाइज जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उनमें से नर्स एनेस्थेटिक है जो आपके ओआर में, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर्स में जो होता है, एनेस्थीजिया नर्स होती हैं। फिर अगर हम कहें तो बेहोशी के वाली नर्स जिसको कहते हैं, हाँ, तो, नर्स बेहोश नहीं होती उसमें, लेकिन वो कम से कम यही कहना चाह रहा हूँ कि बेहोशी वाली नर्स क्या है। हाँ जी, वो असिस्ट कर रही होती है फिजिशियन को, एनेस्थेटिक नर्स उसको कहते हैं, प्लस पेन मैनेजमेंट की नर्सेज हैं जो ओआर में पेन को मैनेज करती हैं। ठीक है, फिर ओआर के अंदर ही स्क्रब नर्सेज हैं, ठीक है, जो सर्जन के साथ स्क्रब होकर खड़ी होती हैं और उसमें वो बिल्कुल स्टीराइल एनवायरनमेंट में होती हैं। फिर एक सर्कुलेटरी नर्स होती है साथ, सर्कुलेटरी नर्स जो है वो बाकी चीज़ों को देख रही होती है ऑपरेशंस के दौरान। तो इसी तरह ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी तीन चार डिपार्टमेंट्स आपके पास स्पेशलाइज नर्सेज आ गई। और इसी तरह आप ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिर्फ एक मिसाल दी है आपको। इसी तरह मुख्तलिफ नर्सेज हैं, जिस तरह पीडियाट्रिक नर्सेज, पीडियाट्रिक्स में न्यूनेटल आईसीयू हैं जब बच्चे पैदा होते हैं और फिर हम आईसीयूज़ में उनको रखते हैं। नर्सरी कहते हैं एक, जहाँ इंक्यूबेटर्स होते हैं, बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। न्यूनेटल आईसीयूज़ तो फिर वो हो जाते हैं जहाँ वेंटिलेटर पे भी बच्चों को डाला जाता है ताकि लाइफ सेव किया जा सके। और पीडियाट्रिक वार्ड्स हैं, फिर हमारे पास कीमोथेरेपी के डिपार्टमेंट्स हैं पीडियाट्रिक में, फिर ट्रांसप्लांट्स हैं, मुख्तलिफ ट्रांसप्लांट्स हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जहाँ होते हैं, ठीक है, वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमने बिल्कुल स्टीराइल रखना होता है। इसी तरह हमारे पास एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज होती हैं, ठीक है, ये एक अलग स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, ये सारा इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है। ये स्पेशलाइज नर्सेज हैं जो आपके पूरे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ों पर एजुकेशन दे रहे होते हैं, और उसके अलावा वो आपकी ट्रेनिंग्स भी कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा हैंड हाइजीन के पोस्टर्स लगे होते हैं, फिर हैंड हाइजीन टेक्निक्स हैं, तो ये सारे जो काम है ये इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज का काम है। फिर वो आपको ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं कि जिस तरह नर्सेज ब्लड ड्रॉ कर रही होती हैं तो किस तरह ब्लड ड्रॉ करना है, और कल्चर बॉटल्स को जिसमें कल्चर हम लेते हैं, ब्लड कल्चर्स लेते हैं या यूरिन कल्चर्स देते हैं, तो वो किस तरीके से लेना चाहिए, ये स्पेशलाइज जो हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज हैं वो बाकायदा ट्रेन करती हैं, लोगों को सिखाती हैं कि कल्चर्स आपने कैसे लेना है ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, कोई भी बाहर का जरा कंटेमिनेशन को आप कहा जाए, वैसे सब नर्सेज को पता तो होगा लेकिन फिर भी कंटेमिनेशन को कहा जाए क्या कहेंगे? बाहर से कोई भी इन्फेक्शन या उसमें गंदगी ना शामिल हो, वो गंदा ना हो जाए, ठीक है, तो कोई भी जरासीम अगर कल्चर बॉटल के अंदर जाएगा तो वो शो होगा वहाँ पर, जो कि एक्चुअली पेशेंट के ब्लड में नहीं था लेकिन वो बाहर से आया हुआ है, तो उसमें पैसे का ज़ाया होता है, मेहनत जिसने वो निकाला, ठीक है, तो इस एक गलती की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम अपनी स्पेशलाइजेशंस में जाते हैं तो और डिटेल्स में हो जाएगी। मैंने कुछ चीज़ें आपको सीधा सीधा स्पेशलाइजेशंस में बता देता हूँ, जिस तरह मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, फिर आप पेडियाट्रिक नर्सिंग है, ऑनकोलॉजी नर्सिंग वो है जिसमें आप कैंसर के मरीजों को देखते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्सेज है, पब्लिक हेल्थ नर्सेज वो होती हैं जो आपकी पब्लिक को डील कर रही होती हैं, जिसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज भी कहते हैं, और वो पब्लिक में जाके कोऑर्डिनेट करती हैं लोगों के साथ और उनसे। फिर जेरियाट्रिक नर्सेज होती हैं जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ वो काम कर रही होती हैं। मेंटल हेल्थ नर्सेज हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मेंटल हॉस्पिटल है, लाहौर के अंदर भी है, और यहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सेज होती हैं, वो जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनको देख रही होती हैं। अच्छा, यहाँ मुझे एक छोटी सी बात बताते रहिएगा कि ये जो जैसे अभी आपने बताया मेंटल जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे नर्सेज भी जाती हैं, आपको क्या लगता है कि मेरे ख्याल के मुताबिक तो वहाँ पे इतना ज़्यादा उसका फ्लो होगा कि वो इस साइड पे जाएं स्पेशलाइजेशन की तरफ? जी बिल्कुल, लोग इस चीज़ को मिस करते हैं, जिस तरह हम डिप्रेशंस में चले जाते हैं या अपने जॉब की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेंटली रिटार्टेड होना शुरू हो जाते हैं अगर ट्रीट ना किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए हमें मेंटल हेल्थ नर्सेज चाहिए होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो उनको उनके तरीके से हैंडल कर सकती हैं, ठीक है। अब ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती। जो नर्सेज हैं हमारी, क्या इतना उनका है इस तरफ फ्लो के वो मेंटल हेल्थ की तरफ जो है डिपार्टमेंट की तरफ जाएं, स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं? ये डिपेंड करता है कि जो नर्सेज हैं वो क्या सोच रखती हैं। बहुत सारी जो नर्सेज हैं वो ऐसे डिपार्टमेंट को चूज़ करती हैं जहाँ पर फ्लो कम हो, उनका पता होता है वहाँ जॉब जल्दी मिल जाएगी,
ठीक है, यहाँ किसी का इंटरेस्ट होता है कि या किसी की फैमिली में कोई ऐसा वाकया हुआ होता है और उसका इंटरेस्ट होता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करूं, तो इस तरह फिर वो मेंटल हेल्थ नर्सेज में जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे मेरे एक फेलो था मिस्टर अकरम मसीह उनका नाम है, और वो कार्डिक पेशेंट भी हैं लेकिन उसके बावजूद वो सऊदीया में मेंटल हेल्थ नर्सिंग में काम करते रहे। आजकल वो यहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल जो है, इमरान खान का जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर वो पेडियाट्रिक नर्स है, लेकिन वो अपनी सारी जवानी के दौर में, अब काफ़ी ओल्ड है मतलब कि एजड है, तो वो मेंटल हेल्थ नर्स थे और सऊदीया में उन्होंने बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ काम किया। तो इस तरह ये एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है और उसकी अच्छी सैलरीज भी।